नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुजा और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। इस वक्त नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के सतखोल में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर हिंदुवादी संगठनों ने ताबड़तोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सलमान खुर्शीद की लिखी हुई किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से किए जाने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह उनके इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा हो रही है, तो वहीं हिंदुवादी संगठनों द्वारा उनके आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की गई है। इस दौरान सलमान खुर्शीद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला भी दहन किया गया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच की जाएगी, जिन लोगों का इसमें हाथ होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री जो है इनके घर में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है, तो पुलिस ने जो है तत्काल जो है मौके पर पहुंची है और उसमें शिकायत ले ली गई है और उसमें सख्त से सख्त धाराओं में जो है वो FIR दर्ज की जा रही है और जो भी अराजक तत्व है इसमें नामजद FIR पुलिस ले रही है और जो भी अराजक तत्व है पुलिस उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं होगी और उनके घर के आगे जो है वो प्रोटेक्शन भी लगा दिया गया है। आज विकासखंड रामगढ़ की ग्राम पंचायत सतखोल में कुछ तथाकथित भाजपा के नेताओं द्वारा एक निंदनीय कृत्य किया गया। आदरणीय सलमान खुर्शीद जी के घर में आगजनी की घटना कर दी गई, फायरिंग की घटना कर दी गई। इन लोगों ने अगर विरोध करना है तो ये विरोध करें, किसी चौराहे पे जाके पुतला दहन करें या कुछ करें, किसी व्यक्ति के घर पे जाके आगजनी की घटना करना ये निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे जेजेएन न्यूज़।